जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो अरियार्णम, नमो वज्रायार्णम, नमो लोये सबसा। वंदे तुषम सिद्धि धूम चल मनोभवं गयिं पते बोच्छामि समय पाहुड मिडमाशुद केवली भणिदं। चक्षु और मन क्यों नहीं लिया, प्रश्न है ना कल्याण। छहों इंद्रियों से अर्थाग्रह होता है, चार इंद्रियों से अब अर्थाग्रह तो होता ही, इसका मतलब लेकिन जितना नहीं हो पाता उसका नाम व्यंजनाग्रह। तो इसमें दो इंद्रियों को नाम क्यों लिए, चक्षु और मन, क्योंकि छह इंद्रियों में दो इंद्रियां अलग प्रकार की है। चार इंद्रियां भिड़ करके जानती हैं और चक्षु और मन बिना भिड़े जानते हैं, जिसको साहित्यिक भाषा में सन्निकर्ष कहते हैं। तो चक्षु और मन किसी पदार्थ को छुए बिना दूर से जानते हैं, ये कहलाता है बिना भिड़े जानना। इसलिए चार इंद्रियां तो भिड़ करके जानती हैं। आंख में जैसे आप 10 आदमियों को देखो तो फटाफट 10 की यह भी कर लेगा, वो 5 की कर लेगा, 2 की करेगा, निर्णय कर लेगा, आगे तक चला जाएगा, लेकिन इसके साथ इतना नहीं हो पाता। इसमें चार इंद्रियां जो भिड़ के जानती है ना, उसमें सबका अवग्रह नहीं हो पाता। एक आध का अवग्रह हो जाएगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। कल इसके दृष्टांत भी दिए थे, बस इसमें इतना अंतर है छह इंद्रियों में कि चक्षु और मन बिना टच किए हुए, बिना भिड़े हुए जानते हैं, दूर रह करके जानते हैं। ठंड गर्म की बहुत सारी चीजें यहां से टकराएंगी तो सबका अवग्रह करना बड़ा कठिन है। एकाध का तो अवग्रह हो जाएगा, स्थूल अवग्रह हो जाएगा, उसकी यह होके आगे चली जाएगी चीज। लेकिन बहुत सारी हैं, उनमें से 99% बेकार चली जाएगी। अब जितनी बेकार चलेगी वो व्यंजन अवग्रह, बेकार चलेगी मतलब जिसकी यह नहीं होगी, आवाय नहीं होगी और धारणा नहीं होगी। इसलिए इन दो इंद्रियों को अलग किया है। मैंने चार इंद्रियां जितनी आसानी से नहीं जान पाती, दो इंद्रियां यार आसानी से जान लेती हैं, इसलिए चक्षु और मन को अर्थाग्रह में लिया, मैन व्यंजनाग्रह में नहीं लिया। चले आगे चले, कुछ शब्दों की मीनिंग अपन करते हैं। वैसे तो लिखे हुए हैं चार्ट में और जाते समय आपको और अपडेट चार्ट दे देंगे, मतलब ये दिया ना जो कल हमने मति ज्ञान के बहुत सारे नाम देखे थे, मति ज्ञान के बहुत सारे नाम, कुछ नामों की चर्चा शॉर्ट में करते हैं जब तक सब सेट हो जाएगी। एक शब्द आता है समय सारजी में और अन्यत्र भी आता होगा, अध्यवशान। अध्यवशान ये मति ज्ञान का नाम है, थोड़ा समझाएंगे इसलिए मैंने लिख के लाया इसका। अध्यवशान नाम तो सुना ना, अध्यवशान समय सारजी में आता है। अध्यवशान को अपन संक्षेप में कहें तो स्वय और पर का अविवेक। अध्यवशान का मतलब स्वय और पर का अविवेक, इसमें कोई विवेक नहीं करोगे तो ये अध्यवशान। कल हमने मति ज्ञान का एक नाम बताया था उपयोग। उपयोग के तीन भेद हैं, सोपयोग, अशुपयोग, शुद्ध उपयोग, समझ में। ये अध्यवसान को समझें और इन तीनों को भी समझ लें। आपने देखा है मंदिर में पूजा पाठ करते समय आपका मन वचन काय तो सुधर जाता है लेकिन उपयोग नहीं सुधरता, क्योंकि वो मति ज्ञान की चीज है। आज थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, वो सुधरे कैसे थे। आपने देखा होगा
इतनी तपस्या करें, इतना स्वाध्याय करें, इतना सब, फिर भी 11 नौकुर का पार्टी को भी वो काम नहीं हो पाता, तो क्यों नहीं हो पाया? उसकी चर्चा आज करेंगे थोड़ी सी। इसको आप और सरलता से समझो कि हम इतने व्रत उपवास नियम संयम करने पर भी गुस्सा कम नहीं होता, यहां तक कि बेईमानी कम नहीं हो पाती। जिस तरह की परिणति चल रही वही चलती चली जाती, और इसीलिए फिर जैन धर्म की बदनामी होती। इतनी तो पूजा करते दो दो घंटे, और दुकान पर दो के चार करे बिना नहीं मानते, रेल का टिकट चुराए बिना नहीं मानते, जरा कुछ हो जाए तो प्राण लेने तैयार है। इसकी चर्चा करेंगे आज। उपयोग का सुधारना मतलब कैसे होगा? उपयोग का सुधार, इसका नाम है आलोचना। आलोचना नाम सुना होगा, समय सार जी में इसकी विस्तार से चर्चा है आलोचना की। अपन अपने इधर थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। केवल उन्हीं जीवों का कल्याण होता है, बहुत उपयुक्त से सुनो, बहुत धीरे वाली कह रहे, लेकिन उन्हीं का कल्याण होता है जो आलोचना करना जानते। आलोचना माने मेरे जीवन में ये झूठ बोलना क्यों है, अब उसमें दिमाग जाए, मैं कसाय क्यों करता हूं? इतना प्रवचन सुनता हूं तो कसाय क्यों करता हूं? जब मैं कहता हूं कि चोरी करना पाप है तो मैं व्यापार में मिलावट क्यों करता हूं? उसकी ईया हो गई। अब अग्रह तो हो रहा है आपको, ईया नहीं कर रहे, यानी अपन व्यंजन अग्रह कर रहे। पूजा के टाइम पूजा करते हैं, स्वाध्याय के टाइम स्वाध्याय करते हैं, दान के टाइम दान दे देते हैं। यहां तक ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे करोड़ों रुपए का पंच कल्याण करा देंगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का मंदिर बना देंगे। वो जो पाप थे ना, जो नेचुरल चले जा रहे थे मति ज्ञान में, वो जहां कितना खड़े रह जाते। और सरल करके बताता हूं, विश्व में हम में से शायद कोई हो जो ये कहता है कि झूठ बोलना चाहिए और फिर भी झूठ बोलता है। इसका मतलब सांस पड़ते समय सोचता भी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बताता भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर माता पिता ये कहते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना आदि आदि। इसके बावजूद सबके चित्त में वही छाई है। सबके मतलब सबके नहीं लगा ले, जिस एंगल से कह रहे उतना ही समझ। ये क्यों है कि वासना मिटती नहीं है, हेरा फेरी मिटती नहीं है? कल रात में जल्दी जल्दी बोला था आपको, शाम को ऐसी कुटेव नहीं, दूसरे के दोष याद रह जाते हैं और आप और अपने गुण याद रह जाते। बाकी तो अपन बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे निदृष्टि न दोषों पर जावे, तो बोलते तो आपको क्यों नहीं हो रहा? इतना अनादिकाल का संस्कार पड़ा हुआ है, अब जब तक इसकी ईया नहीं होगी, आवाज नहीं होगी, तब तक मेमोरी चेंज नहीं होगी। दिक्कत है, आप जितना प्रवचन पढ़ते हो इधर ही पढ़ के रह जाते हो, इसलिए मेमोरी में चेंज नहीं आता, और चेंज नहीं आता इसलिए चोरी करने के टाइम झट चोरी कर लेते हो, कुशील के टाइम झट कुशील कर लेते हो, बाद में शर्म भी करते हो, अरे कैसा बड़ा परिणाम आया, कैसी बुरी क्रिया करी, शर्म आती है, अरे कोई को पता ना लग जाए। लेकिन ईया करके मिटाते नहीं है, तो इस परिणाम को कैसे मिटाऊं? इसलिए महत्वपूर्ण चर्चा है थोड़ी सी। मैं इसी का नाम है स्व पर का विवेक नहीं है। स्वय कौन है, पर क्या है, इसका विवेक नहीं, इसका नाम अध्यवसान। और अध्यवसान वाला जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। मिथ्या अध्यवसान की बात चल रही, ध्यान रखना, तो क्या सम्यक अध्यवसान भी होता है? कि वो चारित्र मोह की अपेक्षा से है, लेकिन प्रयोजन भूत में तो मिथ्या अध्यवसान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जिस आप खुद देखो, आपके वे दोष मिट गए हैं जिन पर आपका ध्यान है, जिन पर आपका फोकस है, जिन्हें आप नहीं चाहे थे वो तो मिट गए होंगे, देखा होगा आपने, कम हो गए होंगे। लेकिन जिन्हें हमें सोचते ही नहीं कभी, कई बार बल्कि दूसरे बताते क्यों तुम ऐसा करते हो, ए मैंने ऐसा किया क्या? अच्छा मुझे खबर नहीं, खुद की खबर नहीं। अब पढ़ना आप समय सार जी में आलोचना का प्रकरण, आपने देखा वो आलोचना में लिस्ट दी है, वो चरणानी पूर्वक लिस्ट दी है, चरणानी पूर्वक में उठ जाग बुहारी की नहीं ऐसे से पूरा पाठ है आलोचना पाठ, तो वो चरणानु की लिस्ट है। आप अंतर की लिस्ट बनाओ, तुम्हें कौन सा परिणाम खलता है? हे प्रभु मैं रोज पूजा करता हूं तो मेरी पूजा में रस क्यों नहीं आता? आपका स्वरूप क्यों नहीं विचार में आता? आपके गुणस्थान को मैंने गुणस्थान में पढ़ा है,
फिर भी आपकी महिमा क्यों नहीं आती? जब आप उसे फोकस करोगे तो इया होगी, इया होगी तो व्यंजनाग्रह नहीं बचेगा। अभी हमारा व्यंजनाग्रह बचा हुआ, कल बताया था परसों, तो अब वो इया में चला जाएगा, इया से आवाय में आएगा, आवाय होगी तो धारणा बन जाएगी, और धारणा बन जाएगी। आपको पता है जब जब भी आप गलती नहीं करते हो तो आपकी धारणा ही आपको रोकती है। धारणा तो समझ गए ना, मेमोरी वो ही रोकती है आपको। जी क्या करते हो, गलत बात है, पाप लगेगा, कोई क्या कहेगा, ये टोकने वाला कौन है आपको? जिसको आप द्वेष समझते होगे, विवेक और अज्ञान की लड़ाई, तो धारणा आपको आपसे लड़ता है। चोर भी चोरी करने जाता है तो जो धड़कन बढ़ती है ना, वो धारणा की वजह से बढ़ती है। क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो पता लग जाएगा, तो स्रोत ज्ञान क्या करता है, उल्टा काम कर देता है। मैं छिप क्या करूंगा, किसी को पता नहीं लगने दूंगा, और कोई दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा, सबूत मिटा दूंगा, फिर पकड़े गए तो पैसे से खरीद लूंगा। ये कुमति ज्ञान, समझ आई कुछ बात, मति ज्ञान के भेद। ये अधिवसान क्यों नहीं मिटता, मैंने स्वपर का अविवेक क्यों नहीं मिटता, फिर क्या बोला था, अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोग, अब जी ऑटोमेटिक चलता है। मैंने हम ऊपर से तो सुधार कर लेते हैं और अंदर से उपयोग नहीं बदलता, और कर्म बंद होता है ना वो मति ज्ञान से होता है, मति ज्ञान के कारण नहीं, मति ज्ञान के पर्दे पर जो आता है ना उससे पता लगता है। क्या बोला हमने, है तो कसाय का काम, बंद कैसे होता है, कसाय से, मति ज्ञान से बंद नहीं होता, लेकिन मति ज्ञान के पर्दे पर जो दिखाई देता वो बंद का कारण मालूम पड़ जाता है। आपको भोजन करने बैठे और लड्डू परसा आपने खाया तो उसमें डर क्यों नहीं लगा, मति ज्ञान में निर्भयता एकदम, आपको बंद नहीं हो रहा, लेकिन एक लड्डू और चाहिए तो आपके मन वचन का है बदला, दिल भी धड़कन बढ़ गई, और मांगू कि नहीं मांगू, कोई क्या सोचेगा क्या करेगा, तो चुपचाप उठा लू, चुपचाप उठा लिया। अब जी वाला लड्डू जो आया ना बहुत भय पैदा कर रहा है, जी लड्डू इसमें रखा है, कोई देख ना ले, कोई पूछ ना ले, कोई टोक ना दे, कोई फला नहीं करे, जल्दी खा लो, खत्म कर दो, कितने संकल्प कर, जी मति ज्ञान के पर्दे पर भय खड़ा हो रहा है, इससे बंद हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, मन वचन काय की परिणति से पुण्य पाप नहीं बनता, जो मति ज्ञान में अधिवसान चल रहा है इससे आपको बंद होता है। इसमें हमारी नजर ही नहीं जाती, हम तो 4 घंटा पूजा करते हैं, 2 घंटा स्वाध्याय करते हैं, इतनी तीर्थ यात्रा करते हैं, इतना सब करते हैं जो जो जिसके पास है, तो हमें क्यों होगा बंद। कि भाई तुम ऐसे सोचो कि द्रवलिंगी मुनिराज इतना करते हैं, तुम तो उतना नहीं कर रहे, फिर भी उन्हें बंद नहीं रुका तो क्यों नहीं रुका, ये मति ज्ञान की अधिवशा। ऊपर से बेस बदलने पर भी अंदर अंदर वो सुख बुद्धि बैठी रहती, ये अधिवशा। झट ऐसा लगता है कोई ब्रह्मचारी भी हो ना, कोई शादी करके आया हो, स्त्री पुरुष बड़े सुंदर है, खूब मजे आते होंगे इनको, बड़े भाग्यशाली है, पत्नी हुए तो ऐसी, पति हुए तो ऐसा, जी क्या है तुम्हारा, जी मति ज्ञान की गुप्त वासना, जी अधिवशा। बहुत मीनिंग दिए, बहुत सारे शब्द मिले, मतलब बहुत मैंने लिए इसमें, इसलिए कल रात को जल्दी जल्दी पढ़ दिए थे, फिर भी थोड़े थोड़े काम के थे वो जरूर समझा देते। तो फिर क्या करना चाहिए कि सबसे पहले प्रयोजन भूत को इया में जरूर लाओ, वह आत्मा कौन है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। सही बता ना, हम पढ़ लेते हैं जानकारी होती है अलग बात है, लेकिन आपको पता है इया किसको कहते हैं, शास्त्र पढ़ने पर जिनमणि स्तुति हुई और आप सो गए, इसका मतलब आपको 1 घंटा आधा घंटा ईहा नहीं हुई। कल रात को कहा था ना 59 मिनट तक प्रवचन हुआ, अच्छा 1 मिनट गाली चली, तो अब गाली घूम रही दिमाग में 24 घंटा, इसका मतलब आपको गाली की ईहा है, प्रवचन के विषय की ईहा नहीं। बोलो आत्मा का ध्यान करना है कि नहीं करना है, हाँ तो आत्मा का निर्णय करते हो, आत्मा की ईहा मैंने जिज्ञासा करते हो, आपके दिमाग में आत्मा आत्मा घूमती है, आपको जिज्ञासा लगती है, यहाँ तो शुद्ध लिखा है तो कैसा शुद्ध होगा, यहाँ तो शरीर है, कपड़े हैं, राग द्वेष है, फिर शुद्ध क्यों लिखा है, ऐसे ईहा होगी तो अवाय बनेगी। अवाय का हम प्रोसेस चलाएंगे, अभी अवाय आज नहीं चला पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे शाम को सुबह जब भी चलेगा तो अवाय में बताएंगे हम आत्मा का निर्णय कैसे करना।
बताएंगे आपको, पूरी प्रोसेस बता के जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई ना? तो मति ज्ञान का ही एक नाम अधिवशान है। अब आप पढ़ोगे अधिवशान तो आपको समझ में आ जाए। जैसे चलो अधिवशान, हाँ ठीक है ठीक है, इतनी जल्दी निकल गए। कल रात को भी कहा था एक एक शब्द की यह करके गहराई में जाओ, थोड़ी पढ़ाई हो इसकी चिंता नहीं करो, लेकिन एक शब्द पढ़ो जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाए। समझ में आए? तो कठिन तो नहीं लग रही, चले आगे। तो अध्यवशान स्वपर का अविवेक, फिर क्या बताएं? मिथ्या निश्चय, मिथ्या निश्चय मैंने विपरीत विपर्य वगैरह ये सब मति ज्ञान के भेद है। मिथ्या निश्चय ध्यान रखना, एक चोर को चोरी करने का निश्चय है, लेकिन बीच में मंदिर आ गया तो एक घंटा मंदिर में पूजा पाठ भक्ति करने लगा, बंद होगा कि नहीं होगा? क्यों? मिथ्या निश्चय मति ज्ञान में पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी ट्रिक है, समझना। आप अपने मति ज्ञान में पड़े हुए अधिवशान को पहचानो, क्यों नहीं बदलता इतना पढ़ने? कई बार इसीलिए लोग कहते भी, ऑब्जेक्शन करते हैं, इतना तो पढ़ते जरा कसाय कम नहीं। कई बार होता है ना, महिलाएं बहुत धर्म भी करती हैं और घर में वो मेरा तेरा भी करती हैं, अपने बच्चे और पराए बच्चे में भेद कर देती हैं, अपने पति और दूसरे पति में भेद कर देती हैं, और खाना पीना पक्षपात करती हैं, तो यह समय में बहुत बदनामी होती है। तुम सबको भगवान आत्मा नहीं देख सकते? प्रवचन में तो बड़ा कहते हो भगवान आत्मा है सर, भावी सिद्ध है, तो क्यों नहीं देख पा रहे? फोकस कर तो ईहा में आएगा, ईहा होगी तो आवाय होगी। आवाय आवाय माने मिक्सी, मिक्सी में जैसे घूमता ना वैसे दिमाग घूमेगा आपका। जिसकी यह होती है उसका खूब मिक्सी घूमेगी आपकी आवाज की, और फिर फाइनल डिसीजन आ जाएगा मक्खन की तरह, मक्खन की तरह वो धारणा में चला जाएगा। बस अब सुनो, तुम असुम में भी प्रवर्तोगे ना तो भी तुम्हें पुण्य बंद होगा। ध्यान रखो कुछ सूक्ष्म बात है, असुम में भी प्रवर्तोगे तो भी पुण्य बंद होगा। सुनने में कठिन लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने मति ज्ञान नहीं समझा था। हम तो अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ बंद, शुभ प्रवृत्ति से शुभ बंद, और कुछ मत करो तो शुद्ध उपयोग। ऐसा नहीं, दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या कर रहे हैं, योगों की प्रवृत्ति होने पर भी शुद्ध उपयोग, झूठे मुंह शुद्ध उपयोग। हाँ हाँ, समझ आ रहे कैसे होता होगा शुद्ध उपयोग? हाँ लिखा है पंचम गुणस्थान वर्ती स्त्री में रमण कर रहा है उस समय भी उसको निर्जरा हो रही, असंख्यात गुण निर्जरा लिखी है, सो रहा है तो भी असंख्यात गुण निर्जरा, अब अशुभ प्रवृत्ति हो रही तो भी निर्जरा चल रही। ये गणित सूक्ष्म है, सारे पढ़ने पड़ेंगे अपने को इनमें से, कैसे कैसे निर्जरा हो जाएगी। अब जिसने थोड़ा सा पढ़ा है कि शुभ प्रवृत्ति, अपन इसीलिए तो शुभ प्रवृत्ति में खुश है, पंडित जी हम तो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, छना पानी पीते हैं, हम इन जैसे नहीं है, तो तुम शुभ प्रवृत्ति कर रहे हो लेकिन उपयोग तो अशुभ है। क्यों? कि जिसके चित्त में अधिवशान बैठा हुआ है उसको मिथ्या निश्चय होने के कारण सब उल्टा उल्टा हो रहा है। इसलिए लिखा है टोट मुझे, कदाचित प्रसंग पाकर के सही बातें भी बनाता है, प्रसंग पाकर सही चर्चा भी करता है, लेकिन अधिवशान नहीं बदलने से, माने मति ज्ञान नहीं बदलने से। पर कितनी चर्चा गंभीर है, मति ज्ञान में कितना माल है। चलो विचार करना ठीक। फिर विज्ञान शब्द आया, मैंने विशेष ज्ञान, ये विज्ञान वो वाला तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ विशेष ज्ञान बैठा रहता है मति ज्ञान में, जिसके बल पर फिर श्रुत ज्ञान के द्वारा आप चर्चा करते हो, विस्तार करते हो। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, सीधी सी बात, कक्षा एक से लेकर अभी तक की जितनी पढ़ाई हुई सब मति ज्ञान में एकदम बैठी हुई है। विज्ञान कठोर दान में रोटियां सब्जी भोजन जो जो रखा है वो रखा हुआ है, केवल निकालकर यूज करने की जरूरत है, ऐसा मति ज्ञान का काम। मति ज्ञान में सब पढ़ा है, धारणा ज्ञान में सब पढ़ा हुआ है। थोड़ा और समझाऊंगा आपको, जब मैं ये चर्चा शुरू की ना तो पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि श्रुत ज्ञान कमजोर है और मति ज्ञान महान है, इतना बड़ा प्रोसेस है वो। अभी तक चर्चा नहीं होती तो श्रुत ज्ञान की महिमा आती है।
हमें एक बार बताओ, एक दृष्टांत देते, चल नाम शिवभूति मुनिराज, बोलो शिवभूति मुनिराज महान है या 11 अंगनों पूर्व के पाठी महान है, बोलो भाई। अब एक के पास श्रोत ज्ञान का इतना विस्तार है, कितना बड़ा विस्तार है श्रोत ज्ञान का, प्रवचन करें तो लाखों लोग रीझ जाएं, टीका लिखें, ग्रंथ लिखें, ऐसा करें वैसा करें, जय जयकार हो रही है, और शिवभूति के कोई प्रवचन भी नहीं सुनेंगे, क्यों प्रवचन ही नहीं कर पाते, नमोकार मंत्र भी नहीं आता। अब वो मति, उनका मति ज्ञान इतना पुष्ट है, लेकिन मति ज्ञान पुष्ट है, केवल ज्ञान हो गया, बोलो कितना मजेदार है। तो विज्ञान शब्द आया इसके लिए, विज्ञान है, उपयोग समझाई दिया अभी। अब एक बात ध्यान रखना, स्थूलता में मंदिर जाने को भी शुभ उपयोग कह देते, इसको हम पहले पढ़ा चुके आपको, पिछली कसाई की तुलना में अगली कसाई नीची हो तो उसको शुभ उपयोग कह देते। इसलिए जब प्रवृत्ति में शुभ उपयोग का हो उसे उपचार से समझ लेना, वो स्थूल कथन है और जिस सूक्ष्म कथन है, इसलिए इसलिए ग्रंथ में शब्द आया कर्णानि योग में, सच्चा शुभोपयुक्त तो सम्यक दृष्टि को होता है, यथार्थ शुभोपयुक्त तो सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग शुभोपयोग नहीं है। लेकिन ठीक है, जिस एंगल से कह रहे उसी एंगल से समझ लेना, सर्वथा नहीं कर देना। पहले हम पढ़ा चुके पुण्य पाप, तो एक केंद्रीय भी पुण्य बनता है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, थोड़ा कुछ कहना है मुझे। पुण्य बंद होना अलग बात है और शुभ उपयोग अलग बात है। क्या बोला? पुण्य बंद अलग बात, एक केंद्रीय को भी पुण्य बंद हो जाता है मंद का साइज, लेकिन शुभ उपयोग होता है ये नहीं कहने, सूक्ष्मता से देखा जाए, क्यों शुभ उपयोग तो सही में दृष्टांत देके बताते हो तो क्या रास्ता हमारे पास, लेकिन सूक्ष्म बात है, सर्वथा नहीं खींचना शब्द के, कई बार सूक्ष्म बातें होती है तो खींचना नहीं, दृष्टांत समझो। जिसका बेटा गुजर गया हो, इकलौता बेटा, अब वो माँ दुखी होगी कि सुखी होगी, बता। अभी मरने का छोड़ दो, खो गया, इकलौता बेटा खो गया, बताओ वो दुखी होगी कि सुखी होगी? तो दुखी होगी। अब हम फिर पूछ रहे, रूखी रोटी खाए और रसगुल्ला खाए, इन दोनों के टाइम उसके परिणामों में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो सही, रूखी रोटी खाएगी तो कैसी है, कड़वी सब्जी कैसी है, रसगुल्ला तो अच्छा बना, इतना तो आएगा, फिर अंतर वो दुख की धारा चली रही। ऐसे मिथ्या दृष्टि को ऊपर की प्रवृत्ति में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन वो मिथ्यात की धारा ही पाप धारा है, दुख की धारा है, वो चलती चली जाती। इसलिए अध्यवसान को चेक करने लायक है, आलोचना करने लायक है। शरणानी योग में उंगली पकड़ के सिखाते हैं, देखो ऐसे आलोचना कर, ये पाठ लिखा हुआ है, अपनी गलती हो तो ऐसे पकड़ो। तो ये तो बाहर की बात थी, अंदर की अध्यवसान को ही पकड़ो, ऐसे में चलूंगा। और क्या है इसके लिए, एक शब्द आया परिणाम, परिणाम अपन कहते हमारे परिणाम नहीं लग रहे, ये परिणाम मति ज्ञान का नाम है और सूक्ष्म बात है। कई बार आपने देखा पता ही नहीं लग रहा मूड खराब क्यों है, मंदिर में बैठे फिर भी मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय सुंदर तो अभी नहीं लग रहा, और कई बार है ना बहुत खराब प्रसंग होता बाहर का तो अभी चित्त शांत रहता है। तो एक नाम आया है, चित्त भाव परिणाम, तीन नाम आए इसके लिए मति ज्ञान के, भाव सुधारो मैंने मति ज्ञान सुधारो। जहां जहां जे जे योग्य हो वहां वैसे अर्थ लगा लेना, कभी कभी कसाई की तरफ से भी कहते, लेकिन यहाँ भाव शब्द इसके लिए भी आया है। चित्त नहीं लग रहा, कई बार आपने देखा मन वचन का खूब पूजा कर रहे और खूब कोशिश कर रहे लेकिन फिर भी चित्त नहीं लग रहा, तो चित्त मैंने मति ज्ञान। कितने बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हुआ है, चलो आगे चले, अब अपन आगे पढ़ लें। गेयों की ईहा, अब ईहा पढ़ा रहे थे ना, अब अग्र के बाद ईहा, गेयों की ईहा
समस्त असंयम का मूल है। पांच इंद्रिय के विषयों की ईहा माने जिज्ञासा, अनादिकाल से इसको आत्मा की ईहा नहीं हुई। देखो ब्रह्मचर्य मैंने कपड़े बदल दिए, ब्रह्मचर्य मैंने शादी नहीं की, दो काम तो रुक गए, लेकिन ईहा रुके जिसका नाम ब्रह्मचर्य है। हाँ, अब ब्रह्म की ईहा रोना वो ब्रह्मचर्य है। समस्त असंयम का मूल है समस्त असंयम। असंयम माने बंद, कर्म का बंद होगा उसमें तो समस्त असंयम। थोड़ा सरल दृष्टांत देंगे तो आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। हमें बेचैन कौन कर रहा है? इस शरीर को ढांकने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है, आप चाहो तो बिना ईहा के कपड़ा पहना दो, इससे क्या दिक्कत। लेकिन मार्केट में जाकर के भी शॉपिंग जब करते हैं तो मती ज्ञान कितना मछली जैसा तड़पता है, और अच्छा देखे आए और चार दुकान देख लें, जी कलर ठीक नहीं है, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, ये टच करने में कैसा लगता है, कॉटन है, ये फला है, कितना कितना संकल्प विकल्प इसका। ये है असंयम, कपड़ा पहनना असंयम है, उतना बड़ा संयम नहीं है। लेकिन कपड़ा पहनने के नाम पर जिज्ञासा, काय की जिज्ञासा, रंग कलर डिजाइन जी वो टच कैसा लग रहा है, सो कैसा लग रहा है, फिर सेल्फी लो, इधर से लेके देखो, इधर से लेके देखो, इधर से लेके देखो, ये असंयम। रसना इंद्रिय की जिज्ञासा, आपको नई चीज खाने की जिज्ञासा क्यों होती है? किसी से नाम भी सुन लो ना, वो फला फला चीज आइटम जो भी कुछ है, अच्छा हमने तो कभी नहीं खाया, अब ये जिज्ञासा हो गई, तुमने कर्म बंद कर लिया, अब हो सकता है वो चीज आ जाएगी। सरल दृष्टांत दे रहे, सरल दृष्टांत, मुनिराज से ने खरबूजे की ईहा हुई, खरबूजे की ईहा, असंयम हो गया, खरबूजे में जाके पैदा हुआ। बहुत सोचा है तो बहुत, रसगुल्ला खाने की लिप्सा 24 घंटे अंदर अंदर दे छूटी, वो रसगुल्ला में जाके पैदा हुए। तो यही तो चाह रहे थे, भरपूर खाएं भरपूर खाएं, ले वहीं चले जाओ। तो एक्सपायर रसगुल्ला माने जिनकी मर्यादा निकल गई, उनमें जीभ क्यों पड़ गई, नमकीन में जीभ क्यों पड़ गई, खाने पीने के जितने पदार्थ हैं उनमें ईहा होने के कारण असंयम के फल में ये जीभ वहां जन्म ले लेता। दो इंद्री बता दी, ऐसे कर्ण इंद्री में लगाओ, बेचैन कौन कर रहा है? सुनो 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 सुनो, जर्मनी का संगीत, फ्रेंच का संगीत, अमेरिका का संगीत, तो काम क्या मतलब है? नई नई जिज्ञासा, इसको नई नई सीडी खरीदेंगे, नई नई ऑडियो खरीदेंगे, फला करेंगे, वो ये क्या है? लोग कहते हैं गरीबी है और महंगाई छा रही, हम तो कह रहे हैं अज्ञान नहीं हो तो सबके सब अमीर हैं। क्या कह रहे, सबके सब अमीर है, कोई गरीब नहीं है अभी। जब आप 15,000 का मोबाइल ले सकता है एक आदमी, 18,000, 15,000, 5,000, 10,000, और ये एक नहीं, हर 6 महीने में बदलना है, साल भर में बदलना है, 2 साल में बदलना है, बता जी कंगाल हो रहा है ईहा से। तुम्हें काहे के लिए चाहिए मोबाइल, फोन पे बात ही तो करना थी, मैं बहुत थी। लेकिन नई डिजाइन पतला, नई नई डिजाइन आती नहीं थे पहले, वही मोबाइल सबको अच्छा लगता था जो आते थे, वो डब्बा ऐसे डबिया जैसा, जैसे कुछ नहीं दिखता था, एंड्रॉइड नहीं था, सबको ऐसा गर्व के साथ खरीदते थे, आई मोबाइल, और डब्बी जैसा होता था। अब आज की तारीख में यदि कोई मोबाइल मिल जाए ना, मोबाइल है, तुम गरीब आदमी हो, इतना रद्दी वापरते, बोलो एंड्रॉइड। अब जी हर 6 महीने में नए नए कंपनी आ रही है, 300 रुपए का बनता है जी भाई वो, 20,000, 15,000, 18,000 बिक रहा है। गरीबी ऐसे आ रही है, मुझे इतनी दया आती है, जो मजदूर होते हैं मजदूर, उनके पैंट फटे होंगे दिन भर जब काम करते, घुटने फटे होंगे, आगे से चेन टूटी होगी, बस हो गए, चला हीरो बनने। समझ गए, ऐसे एक एक में लगाते जाओ, हमें तो रहना है। लेकिन नहीं, आपको पता है जिनकी पुण्य का उदय नहीं होता वो 2 कमरे का मकान बना के खुश हो जाते हैं, फिर थोड़ा और पुण्य बढ़ता है, थोड़ा और बड़ा कर लो, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब अच्छे हो जाते ना, करोड़ों रुपया हो, नहीं एक नया फ्लैट और होना चाहिए, नए मॉडल का होना चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए, फिर इससे अच्छा वो होना चाहिए, फिर लेक व्यू वाला होना चाहिए, फिर वाला वाला होना चाहिए,
फिर फला वाला होना चाहिए। अरे क्या नहीं, एग्रीकल्चर फार्म हाउस में बना के, समझ गए ना, पांच पेट भरने के लिए क्या चाहिए, दाल रोटी सब्जी। लेकिन नहीं, वो ये इसको मति ज्ञान हैरान करता है इसको, फला चीज बनाओ, अब घंटों भर दाल भिगो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे घोटाओ, फिर फला करो, चार छह घंटा की मेहनत करी तब जाके एक नया आइटम बना, और आइटम दो सेकंड के अंदर नीचे। हर महीना पछताती है बाद में, पहले नहीं पछताती, पहले तो 7 दिन मीनू चलता है दिमाग में, 7 दिन 10 दिन 15 दिन जिसको जितना चलता है, नए नए आइटम बनाने का राग, खिलाने का राग, खाने का राग। और फिर जैसे जैसे बनाया और कोई ने तारीफ नहीं करी, एक गलती हो गई, जरा सी एक गलती हो गई, एक गलती बिगड़ जाता टेस्ट, तो फिर नाराज होते हैं सब, तो ऐसी गुस्सा आती है, क्या करें, काय को बनाया हम, मैंने काय का कौन परेशान कर रहा है, एक ज्ञान को, एक ये हो कि ई है, अब तो समझ गए, ओहो ज्ञाय की यह तृप्ति प्रदान करता है, ज्ञाय की यह समता प्रदान करता है, ज्ञाय की यह सामायिक प्रदान करता है, संयम प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है, और गियों की यह भटकाती है, दौड़ाती है, तड़पाती है, मछली जैसे तड़प रहा है जी, किसी को भी देख लो करोड़पति अरबपति तड़प रहा है भयंकर, 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता। अवज्ञा ने इसलिए कहता है वो मेरा बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, 2 मिनट उतर जा रहा हूँ, 5 मिनट उतर जा रहा हूँ, कल उतर जाना है, कल इधर जाना है, और हवाई जहाज से घूम रहा हूँ, और एक दिन हवाई जहाज फेल हो जाए भाई दाम, बस गए निपट गए, काय के लिए कर रहे थे इतना। ओहो ज्ञाय की महिमा, ज्ञाय की यह आई तो पूरा की पूरी धारा पलट गई, ऐसे पलट गई, यूं समझो कोई बच्चा पढ़ाई के लिए चाय पीता है या चाय के लिए पढ़ाई करता है, समझ गए। रात को जगते हैं बच्चे तो चाय नाश्ता कर लेते हैं बच्चे, तो जो पढ़ाई करते हैं तो वे चाय नाश्ता के लिए पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई के लिए चाय नाश्ता है, इतना फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ गया। ऐसे आत्मा की क्रिया होने के बाद भी रोटी खाना है, कपड़ा पहनना है, सारा काम होना है, लेकिन शुद्ध उपयोग बढ़ता चला जाएगा, संबंध निजरा होना शुरू हो जाएगा, कितना कमाल है, संबंध निजरा होना शुरू हो जाएगा। और एक तुमने आत्मा को नहीं जाना और गेयों की जिज्ञासा, ये तो भट क्या होता है, देख बता दी इतने दृष्टान, देखे आप जितने चाहे देख, कई लोगों को ऐसा लगता है पैसे वाले हैं तो हम घूमने जाएंगे अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, जो जो ठीक, सही बताना कोई घूमने जाता है, वे 2-4 स्पॉट होते हैं जो फेमस होते, उतना ही पैसा होता है, 2-5 लाख 10 लाख टिकट में लग जाते हैं, तो होटल में बहुत महंगी, एक एक दिन की 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए पर डे, अंदाज से हमें मालूम है, अंदाज है और भी ज्यादा, 15-20 हजार रुपए पर डे। अब पति पत्नी गए तो भोजन करने का टाइम तो खर्च होता ही है, नहाने धोने का खर्च होता है, शाम का खर्च होता है, अब बचा टाइम कितना, तो अमेरिका 5 दिन में घूमना है, घूम सकता है कोई, 2-5 स्पॉट जाते हैं, फोटो सेल्फी ले आते हैं, बस खर्च छुट्टी, इतने से के लिए कितना पैसा खर्च हो गया, और मन संतोष नहीं करता, क्यों कि वहां तो हजारों जगह हैं जहां घूमने चाहिए आपको, वहां तो जा नहीं पाते यार। तो मैं एक बार सोचता हूं जो 1000 जगह नहीं गए तो 5 जगह के पीछे 20 लाख क्यों खर्च करना, केवल ज्ञान में वो भी जान लेंगे, एक ज्ञाय का संतोष, घूमने की इच्छा नहीं होती। हम इतना घूमते हैं साल भर लगभग बाहर ही रहते हैं, घूमते इसके बावजूद हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, कभी वहां नहीं जाते कि समुद्र देखे आओ, कि फला देखे आओ, कि वहां देखे आओ, कि कुछ कुछ क्या देखना, इनका भी है कर्णालियों में इतना विषय है, इतना विषय है कि अपना उपयोग लगाओ तो भी पूरा नहीं हो पाए। तो हम द्रव्यालयों की मुख्यता से पढ़ती, क्यों कर्णानियों का पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन द्रव्यानियों को पूरा समझ सकते, द्रव्यानियों का मूल है ना, सॉल्ट है, हम झट समझ जाएंगे ना, कर्णानियों का हम सिद्धालय में जाएंगे तो केवल ज्ञान सब झलक जाएंगे। संयम ये भी एक संयम है, सांस पढ़ने का भी असंयम बहुत दुखदायक है, नहीं नहीं सांस पढ़ो, नहीं नहीं सांस पढ़ो, अरे नहीं नहीं पढ़ो या निर्णय करो, आप काय के लिए पढ़ो, निर्णय के लिए पढ़ने के लिए,
अंदर अंदर एक यह होती काय की रिकॉर्ड, मान कसाई का रिकॉर्ड, मैंने 500 ग्रंथ पढ़े, लिस्ट है मेरे पास, हर साल 25 ग्रंथ पढ़ता हूँ। अरे इसका मतलब तुम्हें यह आत्मा की नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं करना है आपको, आपको संयम शांति कहां से आएगी। अब ऐसे में कोई उसकी इंसल्ट कर दे, फिर देखो उसकी ज्वालामुखी, मैंने 500 ग्रंथ पढ़े, तुम क्या समझते हो, वो ज्वालामुखी फटता है बेचारे कसाय का, ज्वालामुखी फटता है। इसलिए पहले में पहले तू गाय की या कर, आत्मा कैसा है, ये शुद्ध कह रहे तो कैसा है, अशुद्ध कह रहे तो कैसे अशुद्ध है। आचार्य विरोध नहीं करेंगे कि शुद्ध कह रहे हो अशुद्ध कह रहे, समझना चाहिए। है समझ में, गेय की या असंयम का मूल है, तो कितना शांति हो जाए जो गेयों की या नहीं बचे बाहर की, और गाय की थी तो उसका निर्णय हो गया, ध्यान से चलना, जिसका निर्णय हो गया वो धारणा में आ गया। अब धारणा में आ गया तो ऑटोमेटिक संबंध हो गया, तुम कुछ भी खाओ पियो चलो, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा नहीं, मतलब झट ऐसा लगता कुछ भी, लेकिन आप सो रहे होगे, जग रहे होगे, कोई काम कर रहे तो अभी उसकी धारा चलती जाती है। ध्यान रखना आश्रय बंद एक एक पॉइंट को लेकर नहीं होती, वो जो अंतर्मति ज्ञान में पढ़ा है उससे आश्रय बंद का 24 घंटे कनेक्शन। कोई ने तुम्हें धमकी दे दी आतंकवादी ने, तुम्हें मार डालेंगे दिवाली के दिन, अब 10 साल तक नहीं मारा उसे, 10 साल तक नहीं मारा, भले आप ऊपर से निर्भय भी हो गए, लेकिन अंदर अंदर उस वाक्य का असर मत ज्ञान में छिपा पड़ा है। जरा भी किसी को आतंकवादी का नाम सुनोगे तो एकदम घबरा जाओगे, एकदम कोई देख भी जाएगा तो घबरा जाओगे, फला कोई होगी तो देख, मतलब एकदम, क्यों, वो मति ज्ञान में कंटिन्यू चल रहा है, तो भय है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो बंध कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए वेद विज्ञान किए बिना कोई निर्बंधता को प्राप्त नहीं होता, फिर से बोल रहा हूं, क्रियाओं के बल पर कोई निर्बंधता को प्राप्त नहीं होता, आपको फोकस करके यह करनी ही पड़ेगी, शुद्धात्मा की इहा और जो भी तुम्हें जो मिटाना चाहते हो उसकी इहा निर्णय करोगे बस सेट हो जाएगी। दृष्टांत दे दूं, वैसे तो बाद में भी दे सकते हैं, अभी दे देते हैं थोड़ा। आप कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो एक एक इहा से निर्णय करते जाते हो आप, फिर वो इतनी सेट हो जाती है कि आप खाते भी जाते हो बोलते भी। सोचते भी जाते हो और कौन से वाहन सामने आ रहे हैं, कब स्पीड स्लो करनी है, कब स्पीड ब्रेकर आ गया, कब पैड ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना, कौन कर रहा है ये वो मती गया। लेकिन शुरू में आवाज करने में समय लगाया आपको, आवाज करने में कब एक्सीलेटर देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो चलाने वाला सिखाता क्या है, आवाज तो सिखाता है वो जो सिखाता है वो क्या कहलाता है, वो कोच ट्रेन करने वाला गाड़ी कैसे चलाता है, एक बैठा रहता है, ए क्या कर रहे हो, इतना ऐसे स्थान पर इतना स्पीड नहीं देना, ब्रेकर है उछल जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा, और देखो पीछे ऐसा एक, तो इस निर्णय करना सिखाता है, और कुछ बाकी तो सारा लगे लगाओ गाड़ी घुमा दो तो चलेगी वो तो चलेगी कि एक्सीडेंट होगा। अब समझ में आ गया आवाज की कीमत, मति ज्ञान में आवाज की कीमत क्या है, जब तुम्हें सेट हो जाएगी ना अपने आप दृष्टि फिर जाएगी, अब ब्रह्म के भाव से एकदम यहां से दृष्टि फिर जाएगी, हमें नहीं पढ़ना हुआ, यहां से फिर जाएगी। पहले निर्णय करो बस, जो निर्णय नहीं करते, कपड़े बदलने का निर्णय कर लिया, थोड़ा उसका निर्णय कर लिया, बाकी करा ही नहीं, इसीलिए फिर उनके परिणाम नहीं सुधरते। अब सोचो मुनि बनने के लिए कितनी तैयारी करना है, कितनी तैयारी, बाहर का नहीं है अंतर के परिणामों में वेद विज्ञान करके एक एक परिणाम हो, तब सहज का धंधा। अब मोटरसाइकिल चला रहे सहज, अब सहज चल रही है, विकल्प तक नहीं करना पड़ रहा, लेकिन नया बच्चा चलाना सीख रहा है उसे पूछो, उसे कठिन लगती है चीज। आगे आपको स्पेलिंग आती है इंग्लिश की, बहुत सारी चीजों की स्पेलिंग आती है, कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन जब भी कभी काम पड़ता है तो सही स्पेलिंग आ जाती है दिमाग में, क्यों आ जाती हो, वो बचपन में रटी थी आपने, बीच में नहीं रटी,
वो अवॉइड किया था आपने उस समय की, नहीं क्वीन की सही स्पेलिंग जेल उस समय रटा था, आज तक फैट है। इसके बाद पढ़ी नहीं क्वीन की स्पेलिंग और काम भी नहीं पड़ती, लेकिन जिस दिन काम पड़ती तो बिल्कुल वही की वही स्पेलिंग लिखती है, काहे की बोल पर लिखती है। मैं 18 साल का था ना तब मैंने टाइपिंग सीखी, फिर तो बीच में खत्म हो गई, काम ही नहीं आया। लेकिन जब नौकरी लगी ना तो वो टाइपिंग याद आ गई और फिर उधर काम आई, फिर बीच में फिर खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि नौकरी भी छोड़ दी थी, सब खत्म हो गई 15-20 साल। अब जब कंप्यूटर आ गए ना तो इसमें हमें वो टाइपिंग आती थी, इसलिए चलाना सरल हो गया। तो उस समय की धारणा का बैठा हुआ शब्द वो अब काम आ गया, क्योंकि इसका जो कीबोर्ड और उसका कीबोर्ड एक ही होता है। हाँ, हमारा कहने का मतलब है कि ये धारणा ज्ञान, ऐसे आप एक एक चीज का निर्णय करते जाओ, धारणा में बिठा दो, नरक में भी जाओगे तो धारणा बचा लेगी आपको। कितना कमाल है। अब इसको आप कह दो संस्कार, इसको कह दो आप संस्कार, इसको कह दो आप क्या क्या जो तुम्हें कहना हो, प्रभाव और निमित्त जो कहना हो, अतिशय चमत्कार सब कह दो। अब सोचो स्वाध्याय का कितना फायदा और तो वेद विज्ञान का कितना मजा है। टोडामल साहब ने लिखा है जो वेद विज्ञान तत्व अभ्यास आदि करते हैं वे कदाचित इस भाव में सम्यक दर्शी ना भी हो पाए, तो यहाँ से वो संस्कार लेकर के जाएंगे तो अगले भाव में या 2-4 भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएगी। मैंने कब तक चलेगी ये धारणा? तब तक चलेगी। इसे खूब स्वाध्याय और वेद विज्ञान करना चाहिए। ध्यान रखना शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। क्या बोला? शास्त्र पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता संकेत? क्यों? वो यह आवाय करोगे तब मजा आएगा, यह आवाय के बिना पढ़ने का नाम आपको मजा ही नहीं आएगा। करणानियोग तो और ही नहीं आएगा, द्रव्यानियोग भी नहीं आएगा, प्रथमानियोग भी थोड़ा चलो स्टोरी है इसलिए थोड़ी आ जाएगा, उसमें भी कुमति ज्ञान होगा तो उल्टी उल्टा पड़ेगा। देखो चौथे काल में भी जुआ खेलते थे, देखो देखो इतने बड़े कृष्ण, उन्होंने रुक्मणी का हरण किया था, लव अफेयर करके शादी करी थी। वाह बहुत बढ़िया, लव अफेयर के लिए पढ़ रहे थे। मैंने कुमति ज्ञान होगा तो उसमें भी उल्टा उल्टा पड़ेगा। हा, कुमति ज्ञान की परिभाषा कल बताई थी, मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे। कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान को ऐसे समझो जो आत्म हिस्से विरुद्ध ले जाए, निर्णय करके आत्म हिस्से विरुद्ध ले जाए, असंयम की वृद्धि कराए, असंयम की वृद्धि कराए, बस समझने कुमति ज्ञान। चार अनियोग पढ़ करके भी उल्टा उल्टा कर लेता, दुखी रहता भयंकर, यहाँ ऐसा लिखा है वहां ऐसा लिखा है, पता नहीं क्या कह रहे, दो आचार्य में क्यों मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है, तुम्हें मतभेद लग रहा है, कुमति ज्ञान की प्रतीक है, परेशान नहीं हो तुम, तो ये बताओ इनने भी संयम के लिए लिखा है, इनने भी संयम के लिए लिखा है। इतने सारे जीव है, कोई इसको पढ़ के संयम ही होंगे, कोई इसको पढ़ के संयम ही होंगे, तुम अपनी अंगे से देख लो तुम्हारी कसाय कैसे मिटेगी, जिसको पढ़कर मिट जाए उसी को पढ़ो, कसाय मिटाने के लिए पढ़ो। दृष्टांत दूं, आपको कैंसर हो जाए तो आप कैंसर का जल्दी इलाज कराने का निर्णय करोगे या 10-20 डॉक्टरों के ढूंढते ही रहोगे, इस ऑपरेशन में जी ऐसा करता है, इसमें जी ऐसा करता है, इसमें जी ऐसा करता है, जी ऐसा करता है, इसमें ऐसा, अब कौन के पास जाए? इस तरह से निर्णय करोगे तो कभी निर्णय नहीं होगा, मर ही जाएंगे। ऐसे यहां पर सोचना, सबसे पहले कसाय जिस तरह से शांत होती हो उस तरह से शास्त्रों को पढ़ना। जब आपको अचीवमेंट होगा ना, अचीवमेंट समझ गए, जब विकार मिटेंगे तो आपको आह्लाद आएगा, फिर और मिटेंगे तो और आह्लाद आएगा। भाई ये अतीन्द्रिय सुख, सोच सोच के सुख है, वो इंद्रिय सुख है, बिना ही सोचे सुख, हल्के हल्के चित्त हल्का हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, आनंद आ रहा है, अरे भैया मजा आ गया, समझ आया? लोग में भी जैसे कोई काम होता है तो सोच सोच के सुख नहीं आता, अपने आप ही आता है वो, तो जैसी वो गुत्थी सुलझती है कोई भी लौकिक में एकदम आनंद हो जाता है, वो अतिथि है। चलो अब तो आगे और पढ़ाएं, याद रह जाएगी इतनी बातें बता रहा हूँ आपको, है ना? तंदुर मच्छ का दृष्टान ध्यान रखना, बता दिया था पहले, अभी बता दिया था, तंदुर मच्छ करता कुछ नहीं है लेकिन अंदर अंदर सुख बुद्धि है, वही गेहूं की खाने की प्रति,
उसी के फल में चारा, असंयम के फल में कहां से कहां चला गया। ऐसे अपने जीवन में लगाना। फिर कह रहे भैया खुद स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो। कहां करो? जहां से हमारी कसाय मिटे। और नहीं तो अंदर अंदर क्या कहें आप, अभी बता दिए सब कहां कहां जाके जीव पैदा हो जाता है। इस देह के अंदर भी लार में जीव पड़ जाते हैं, ये ओंठों पे जीव क्यों पड़ जाते हैं, नाक में जीव क्यों पड़ जाते हैं। इसकी नाक बड़ी सुंदर है, इसके ओंठ बड़ी सुंदर है, बड़ा आनंद आएगा। मर गया बेचारा और मर के उस लार में जीव बन गया। इतना महंगा सौदा है। इस शरीर में जीव जीवों की खान है, पूरा त्रस जीवों से भरा हुआ है ये पूरा। क्योंकि तुमने कल्पना की है कितने जीव हैं जो एक दूसरे के शरीर की कल्पना करके ऐसे तंदुर मछली जैसा कर्म बांधते हैं और आखिरकार मरण करके ऐसी जगह आ जाते। ये बहरा जाता है इससे। हम लोगों ने निर्णय किए ना अंदर अंदर, इसलिए कभी स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं होती कि बड़ा आनंद आता हो। कल्पना ही नहीं जगती, क्योंकि निर्णय वहां से हुआ है, इसलिए फिर निर्णय करना। समझ में आए? और आगे चले, अब अवाय की चर्चा करते थे अपने। अब अग्रह के बाद यह हो गया, यह चलना तो यह में भी हुआ है। चलाऊं अभी यही चलाऊं कि अवाय चला दें? यह में कुछ तो समझ गए, अभी कुछ तो जितनी बताई बात समझ गए, थोड़ा बता भी दिया। तो केवल अंतिम शब्द कह रहे हैं उसके लिए कि शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, अब यह शुद्धात्मा को जानने के लिए पढ़ना। क्योंकि जिसकी यह पूर्वक पढ़ोगे उसका निर्णय होगा। मान की यह पूर्वक शास्त्र पढ़ोगे तो मान की पूर्ति करोगे आप। कई बार ऐसा होता है अपन नियम ले लेते, नियम तो फिर नियम की यह होती है, समझने की यह नहीं होती। एक घंटे का नियम है भैया पढ़ना, भैया पढ़ना, सुबह से शाम तक याद आएगा वो पढ़ना, भैया आज पढ़ नहीं पाए, आज मंदिर नहीं जा पाया, वो जाना है जाना है। तो आपको एक्टिविटीज मंदिर जाने की, शास्त्र पढ़ने की एक्टिविटी उसकी तो यह होती है, लेकिन उससे प्रयोजन क्या साधना था उसकी यह नहीं होती। तो जिसकी इच्छा करोगे मैंने जिज्ञासा करोगे उसका निर्णय होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रयोजन काय से साधना है। ओहो, गुणों का विचार करने से भी आत्मानुभव नहीं होता, पर्याय का विचार करने से भी आत्मानुभव नहीं होता, 43 शक्ति आनंद शक्ति का विचार करने से भी आत्मानुभव नहीं होता है, व्रत उपवास नियम संयम से भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। सब लगाते हैं आनंद, जैसे मोक्ष भी नहीं होता, जब सम्यक दर्शन ही नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता। उल्टा नहीं पकड़ना, अच्छा तो व्रत उपवास नहीं करें? अरे वो तो करना है, होंगे भी, चिंता नहीं करो, अभी तो जो बात चल रही है तुम्हें करना क्या जी बता। तो किसकी यह होगी उससे काम होगा, अभी यह बहुत समझा दी, जिसकी यह होगी उससे काम होगा। जब तक आपको जिसका अनुभव करना है उसका निर्णय नहीं करोगे तब तक। बहुत सरल दृष्टांत दे, शादी करना हो तो किसकी यह होना चाहिए? लड़का की शादी करना है तो किसकी यह होना चाहिए? पैसा वाले है कि नहीं, मकान कितना बड़ा है, 10 मंजिला है, क्या कितना गोल्ड उनके घर में, कितने भाई बहन है, बताओ काय की यह करेगा वो? बोलो काय की करेगा? भोजन कैसा बनता है, भोजन कैसे खाते हैं और क्या क्या करते हैं, क्यों डाइनिंग टेबल पे खाते हैं कि हाथ से खाते हैं कि चम्मच से खाते हैं, जी वैसे यह करेगा? कौन सी कार है उनके पास, जी यह करेगा? लड़के की एकमात्र सब्जेक्ट होता है बस। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एक ज्ञाय की या शुद्धात्मा की या आत्मा की या एक ऐसा है, तब जाके वो काम होगा। नहीं तो सारे सास पढ़ते चले जाओगे, इसकी या नहीं होगी, जिसका निर्णय भी नहीं होगा, और इसका निर्णय नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। अब सगाई हो गई, सगाई हो गई, यह थी नहीं लड़की, सगाई हो गई। पहली बात तो यह कि सगाई हो नहीं पाएगी क्योंकि लड़की वाले भी ये देखना चाहते हैं कि जब लड़का लड़की को देख रहा था तो कैसे देख रहा था, खुश होकर देख रहा था कि दुखी होकर देख रहा था, या उपेक्षा से देख रहा था। लड़की वालों ने पूछा लड़के वाले लड़के से, बेटा पसंद है कि नहीं? मेरी मम्मी को तो पसंद है। कैसा जवाब बोला कि तेरी या बोल तेरी या तेरी मम्मी तो ठीक है, मेरा मुझे क्या लेना देना है, मम्मी से निभना चाहिए बस। पापा को पसंद है, चाचा को पसंद है, दुनिया को पसंद है, तो तेरी बता ना। बोलो लड़की देंगे कि नहीं देंगे उसे?
ऐसे जिसको ज्ञायक पसंद नहीं आया, आत्मा पसंद नहीं आया, ध्यान काय का करोगे आप? सामाई किसके बल पे करोगे? समता किसके बल पर बढ़ाओगे? संबंध किसके बल पर बढ़ाएंगे? चौदह गुणसन कौन के बल पर होंगे? यही है, इसलिए पहले नंबर इसकी यह करो। और सबसे कठिन काम यही हो रहा है, कठिन है दुर्लभ, कठिन नहीं है तो सरल, लेकिन दुर्लभ हो रहा है। हम पूजा पाठ की यह कर सकते हैं, व्रत उपवास की कर सकते हैं, दान की कर सकते हैं, सबकी कर सकते हैं, बहुत जो जो तुम देख रहे हो सबकी कर लेगा। आगे मुनि बनने की इच्छा होगी ना, तो चटाई पे कैसे सोएं, कैसे लॉन्च कैसे करें, लेटे कैसे, बैठे कैसे, आहार कैसे लेंगे, उसी उसी का विचार करता रहेगा। लेकिन जिसके बल पर मुनि दशा आएगी उसकी खबर नहीं पड़ती। इसलिए बेटे तैयारी यहां से करना है। हाँ, अब चलो मान लो सगाई हो ही गई, अब लड़कों ने पूछा दोस्तों ने कैसी है, अरे करोड़ रुपया है। तो तेरी करोड़ से शादी हो रही कि लड़की से, हमें नहीं मालूम। एक ही बात है, एक ही बात है, ढो रहे तू। उनके यहां 10 का है, 100 किलो सोना है, 2 क्विंटल हीरे हैं। शायद तू फालतू बातें कर रहा है, हम पूछ रहे हैं तेरी होने वाली कैसी है। मम्मी कह रही थी अच्छी है। अरे तो मम्मी तो कह रही, तू बोल, बोले लोग में नहीं चाहिए ऐसा निर्णय। जैसे उधर लड़की वालों को भी तेरा निर्णय चाहिए और तेरे दोस्तों को भी तेरा निर्णय चाहिए, ऐसे ही जिस आत्मा को जाने बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। हम पूछते तेरे को आत्मा कैसे, ए, हम पूजा करते हैं। अरे बोल बोल आत्मा कैसा लगता है, ए, ये करोड़ रुपए मंदिर बनाया हमने, इतना बड़ा, सबसे बड़ी प्रतिमा है गिनीज बुक वाली। अरे हम पूछ रहे को जो तू समझ गए, प्रभु जो तो फोकस नहीं करेगा तो आत्मा को नहीं समझ में आएगा। उसमें क्या है, व्रत उपवास से शुद्ध कर लेंगे। अरे शुद्ध तो जब करेगा जब मिलेगी तुझे, शुद्ध काय को करेगा, आत्मा का निर्णय नहीं है, है कहाँ तेरे पास। अरे साहब इतने लोग कर रहे तो हो ही रहा होगा, या न तो और लिखा है तो हो ही तो ही होगा। डॉक्टर साहब से किसी की बात हुई होगी, मुझे आज की कोई चर्चा हुई ऐसी, तो चर्चा हुई तो शांति से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने पूछा जो भी बातचीत हुई, तो बोले आपको तो क्षण क्षण में शुद्ध उपयोग होता है मुनिराजों को। अच्छा क्षण क्षण में शुद्ध उपयोग होता है, तो फिर हमें भी हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं रहता भाई, काय के बल पर हो रहा है, तो हम फिर वो इसी को पकड़ लेते हैं। इसलिए अत्यंत अभाव की पिटाई है कि देह से आत्मा का किंचित संबंध नहीं है, किंचित संबंध ही नास्ति सर्वोपी संबंध है। समय साजी सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार, नास्ति सर्वोपी संबंध है, कोई संबंध नहीं। इसलिए बेटे खुद गहराई से पढ़, हम ये नहीं कह रहे हमारा आचरण है ही हो गई, वो तो मुनि दशा आए बिना रहेगी कहां। और पहले पढ़ा चुके चार अकाउंट याद है, श्रद्धा ज्ञान चाहिए और योग, पहले पढ़ा चुके अकाउंट। योगों के मामले में अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक प्रवर्तेंगे, चाहे जैसे नहीं प्रवर्तेंगे लापरवाही से, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चाहिए के अकाउंट तो समझने पड़ेंगे। आया समझ में आया? अब जी आत्मा को अब समझ में आई कुछ, मति ज्ञान में होता है अध्यवसन, और वो शुद्ध आत्मा को फोकस करे भी नहीं, यह करे भी ना, आवाज करे भी ना, मिटता नहीं। और अब इस बात को तो गायब हो गई, अब ग्रंथों में स्थूलता से लिखा जाता है इस व्रत के करने से इतनी निर्जय होती है, सिंह निष्क्रिय करने वाले को दो भाव में मोक्ष होता है। तो झट पकड़ लिया, अब तो सिंह निष्क्रिय कर लो, कैसे भी कर लो चाहे कैसे कैसे। और ये भी तो लिखा है मुनि व्रत धार अनंत वार जी, क्या होगा, ये भी तो लिखा है, तो सुमेल बिठाओ, सुमेल बिठाओ, सियादवाद से सुमेल बिठाओ, विरोध नहीं करो। हमने तो सुना 32 बार मुनि बने तो मोक्ष हो ही जाता है, तो फिर अनंत बार वाली बात क्यों लिखी, मेल बिठाओ। अरे उनके छाई समय ले लो, दो चार भाव में मोक्ष हो ही जाएगा, दो चार बहुत होते हैं बस मैक्सिमम। तो बात तो छाई समय से ही है ना, मैंने मति ज्ञान चेंज जाना चाहिए इधर, आपको जो अधिवशान चल रहा है वो मिटना चाहिए। बहुत 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 गजब है। एक आध दृष्टांत दे दे वो थोड़ा,
माँ के प्रति कह रहे तो सासू को लगा लेना, माँ का थोड़ा सरल है इसलिए हम लगा दे रहे सासू को। बच्चों को माता पिता पसंद नहीं आती, उन्हें अंदर में जी लगता जी हमें बहुत कष्ट देना चाहते हैं, डिसिप्लिन के नाम पर बहुत हैरान करना चाहते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता हम टीवी देखें, इन्हें अच्छा नहीं लगता हम खाए खेलें, इन्हें तो बिल्कुल ऐसा लगता है हम बस ऐसे, उनको लगता है। अब ध्यान रखना बच्चों को कहाँ मेहनत करनी है, माँ ने बुलाए कम ऑन तो आ गया झट से पढ़ो तो पढ़ने बैठ गया। अब इसमें सुधार करना है क्रियाओं में, या सबसे पहले ये सोचना चाहिए मेरी माँ मेरी शत्रु कैसे हो सकती है, फोकस कहाँ करना चाहिए। अंदर से तो सोच रहे है ही दोस्तों, नहीं अब क्या करें, अपन छोटे हैं तो मान नहीं पड़ेगी, मम्मी कह रही पढ़ो तो पढ़ना पड़ेगा, नहाओ तो नहाना पड़ेगा, खाओ तो खाना पड़ेगा। सुनो ये बच्चा माँ के खिलाफ जा रहा है, इसके परिणाम चित्त उपयोग भाव सब खराब, जबकि ऊपर से देखा जाए तो आगे का ही है। सुधार कहाँ करना चाहिए, वो अंदर से कि मेरी माँ मेरी शत्रु नहीं हो सकती, मेरे माता पिता मेरे शत्रु नहीं हो सकते, ये निर्णय बदल जाए उसका मत ज्ञान में। अब ऊपर से कोई टेंशन नहीं, अब बहुत अच्छा। आज होता क्या जरा कोई गुरु डांट दे यार है ही ऐसे, इनके संग रह नहीं सकते, इनके संग खा नहीं सकते, इनके संग घूम नहीं सकते, क्यों तुम्हारा निर्णय बदलो ना, बोलो कर्म के उदय के बिना कोई अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है तो निर्णय करो ना जी, क्यों सोचो इनके संग नहीं रहेंगे हम, इनके संग जिंदगी कैसे कटेगी। पति पत्नी में कई बार ऐसा हो जाता है इनके संग जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, पति को निर्दोष देख के कटेगी, भले उनके संग मर जाएंगे लेकिन उन्हें निर्दोष नहीं देखेंगे, ऐसा तो है भारत में, मर रहेंगे संग लेकिन लेकिन लगता चाहिए कि कहां से दुष्ट मिला, मैंने इधर की नहीं कह रही मैंने आपको मति ज्ञान चेंज नहीं हो रहा, मुझे ये कहना है मति ज्ञान चेंज नहीं हो रहा, रहेंगे उसी सास के संग क्योंकि और भाई है ही नहीं, तो अब उसे भगा भी नहीं सकते, रहना तो संग में ही, लेकिन अंदर अंदर लगता है ही ऐसी है ही ऐसी है ही ऐसी है ही ऐसी, सास से कह रही तुम बहू के प्रति जी मत सोचा, निर्दोष है, कर्म के उदय के अनुसार दिखाई देते हैं, किसी का दोष नहीं, यदि हमारा पाप का उदय है तो राम भी सीता को निमित्त बन जाएंगे, और पुण्य का उदय हो तो गैर भाई वो सगा भाई जैसा रहेगा। बोला एक दिन भी खोटे भाव नहीं करे उसने, आप समझ आए, जब ऐसे निर्णय करते हो ना तो फिर मत ज्ञान चेंज होता है, मतलब परिणाम सुधरता है, ए उपयोग बदल जाता है जी। अब बदलो, अब ऐसे बदलना होता है ऐसे बदल देख लेना, अपन इस तरह से सोचते नहीं, हमें तो पक्का पता है जी समाज खराब, दुनिया खराब, फला खराब, जे खराब, वो खराब, एक हम ही बहुत अच्छे, कोई हमें समझता ही नहीं, हम इतनी अच्छी धर्म की बात बता रहे कोई समझता ही नहीं। अरे समझता नहीं है कि तुम नहीं समझते, इस दुनिया में कोई खराब नहीं, कोई भी खराब नहीं है, ऐसे निर्णय करो एक ही विषय में, तब एक बार सेट हो जाएगी तो तुम नाराज भी हो रहे हो तो मुस्कुराएंगे हम, आप नाराज भी होगे तो हमें ऐसा लगेगा कि देखो इनको हम पे कितना बात चल रहा है, हमारी जरा सा आइस होते हुए नहीं देख सकते, हमें तो अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, इतने अच्छे हैं ऐसी है, खाने पीने में हम लापरवाही कर सकते लेकिन माँ नहीं कर सकती, सही में माँ ने कहा था अच्छा ही सही कह दिया, इन दिनों में आइसक्रीम नहीं खाना सर्दी हो जाएगी, अच्छी बात बताई मैंने एक दृष्टांत, तो वो एक बार यहाँ चेंज हो जाएगा ना तो वो ही माँ का टोकना डांटना फटकारना वात्सल्य में बदल जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, मेरी माँ कितनी अच्छी है। कहानी लंबी तो नहीं सुनानी पड़ेगी, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि कोई टोके नहीं, हम आप भी सोच सकते हैं सर कोई टोके नहीं, जो अच्छा लग रहा है तो करेंगे, कोई बोलो मत, तो इसका दृष्टांत देखो, देखो जिसको नहीं टोकते थे उसे फांसी चढ़ना पड़ी, चोरी करता था बच्चा पेंसिल करते फांसी चढ़ना पड़ा, बोलो चाहिए तुम्हें, जिनके कोई टोकने वाले नहीं होते भी व्यसन में लग जाते हैं, जिनके कोई टोकने वाले नहीं होते भी असंयम में लग जाते हैं, जो बहुएं अपने पति की मर्यादा में नहीं रहती सास की मर्यादा में नहीं रहती उनका उनके साथ कुशील वृत्ति हो जाती है, लोगों की सोच खुशील हो जाती है, अपराध उत्सर्ग आते हैं, हाँ और ये ऐसा है तो फिर हम मर्यादा में रहेंगे, ये निर्णय कर लिया
माता जी कह रही बेटा 9 से 12 पिक्चर मत देखा करो, अच्छी बात नहीं, आजकल जमाना खराब है। तुम्हें हमारा सुख नहीं देखा जाता, सुख नहीं देखा जाता कि तुम्हारा कोई घटना घटेगी वो नहीं देखी जाती। जैसे ही आप मति ज्ञान में चेंज कर दोगे तो सासु की हर बात अच्छी लगने लगी, पति की हर बात अच्छी लगने लगी। ये झगड़ा मतलब सास बहू का नहीं होता, टोका टोकी का झगड़ा है। टोका टोकी समझ गए, पहले सास बहू की ज्यादा होती, अब पति पत्नी में बहुत हो रही, क्योंकि दो ही पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं दो ही पढ़े लिखे हैं, एक है और बहू बचाने दोनों में है हो जाता है, तो दोनों ही पढ़े लिखे हैं। अब वो कह रहे तू मोबाइल नहीं चला शादी के बाद, व्हाट्सएप मत कर, फला फला नहीं कर, ऐसे क्यों बात करती लड़कों से, हे टोको मत। इसी बात के लिए पति पत्नी में वही झगड़ा है, टोको मत, हत्याएं हो रही है, आत्महत्या हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, काय के लिए टोको न। हम एक ही बात कह के कह रहे अपनी जिंदगी में ये भाव ना भाव निर्णय करके, ओहो मुझे टोकने वाले सदा मिलते रहे, मेरे हितेशी है वे टोकने वाले, वो मुझे बचाने वाले वे सदा मिले, धन्य है जाके मस्तक श्री गुरु विराजे हैं। आज की तारीख में शिष्य गुरु के अंडर नहीं रहना चाहेगा, क्या वो टोकते हैं, तो वो टोकने से तो फायदा होता है, ऐसे विचार करना। माने हमने कितने पॉइंट ले लिया आपको, जब तक आप निर्णय नहीं बदलोगे, आवाज नहीं बदलोगे, तब तक मति ज्ञान चेंज नहीं होगा, आपको संबंध जरा नहीं होगी। आप करते थे करोड़ों व्रत उपाय,